तो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आ गया। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम पाकिस्तान के फनी रिपोर्टर्स की वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो में थोड़ी अब्यूजिंग बहुत ज़्यादा की गई, तो प्लीज़ आप माइंड मत करना, बुरा मत मानना, क्योंकि हम लेकर आए कुछ नया तो आपको अच्छा लगेगा। और हम आपसे ये भी बोलते हैं कि हम इंडियन के जो फनी रिपोर्टिंग हो जाती है उस पर वीडियो लेके आएंगे। रिपोर्टिंग का काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि कई बंदों लोगों से मिलना होता है, तो इसलिए गाइस प्लीज़ सॉरी, बुरा मत मानना और हम वीडियो देखेंगे पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से रहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम नए बैकग्राउंड के साथ आए हैं बिकॉज शंकर नहीं आज हमारे साथ, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं हूँ सौरभ, और स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जैक्सन बॉयज में, जो लेटेस्ट अपडेट और आपकी फॉर्मेश वीडियो लेकर आते हैं। तो गाइस से जैसा कि आप जानते हैं, आज बैकग्राउंड नया है और हम 3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए बिकॉज हम जहाँ शूट करते थे वहाँ पे बारिश का सीज़न है, तो बारिश का पानी जमा रखा है, जिसकी वजह से हम शूट ही नहीं कर पाए पार्क में। तो आज हम पहले भी यहाँ शूट करना चाहते थे लेकिन यहाँ अच्छा नहीं लगता था, बट हम इसे पार्क में करते थे, तो बारिश की वजह से हम पार्क में शूट नहीं कर पा रहे। 3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम वगैरह भी थी, इसलिए हम शूट नहीं कर पाए। बट आज हम आपके लिए न्यू बैकग्राउंड के साथ न्यू लेकर आए हैं, वो आपको हम कुछ देर में बनाएंगे। तो चलते हैं हम पहले वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला कि आज हम आपके लिए कुछ न्यू लेकर आए हैं, तो जो आज की वीडियो हमारे पास पाकिस्तानी फनी रिपोर्टर्स की है, जो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे हमारी इस वीडियो को। तो गाइस टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 3, 2, 1 एंड गो। कल देखें, यहाँ प्रेस क्लब को बनाने के लिए नहीं मगर उधर आप बताइएगा भाई कि यहाँ पर आप आइए, बुजुर्ग आप आइए, कोई मसला होता है मार्केट पे आने में ये इस पत्थरों की वजह से और ट्रैफिक की वजह से? कोई और हमने जो है ना हाथी बोर्ड लगाई मन माय गॉड, बच्चा था क्या बोल रहे हैं, और हमने जो है ना हाथी बोर्ड लगाई मन संदल का शरबत गर्मियों का एक खास तोहफा है, जो ना के जिस्म में ठंडक पैदा करता है। तुम्हारा हाथ में दो बार डायलॉग है यार। सुनील चेट्टी अब बाहर है। बहुत सब डायलॉग बाजी। ये भी तो मुमकिन है कि आपको बताऊँ बात, ये कि इनको चाहिए अल्लाह के बंदों को कि पूरे कराची की पर्ची पट करके ना ये अपने बड़े अपने ऑफिसों में ले आए, उनकी माँ को चाहिए, गरीबों को मरने दे, बहन के लोगों को ज्यादा पैसे मांग रहे हैं आगे। पहले से आराम है जी, बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। हेलो, आपका मतलब नंबर रिपोर्टर की चिट्टी पिट्टी बोलो रखी है। प्लीज ट्राई लेटर, बड़ी सांझी है, दाएं आ रही है भागती भी। बना ले एक छोड़ में, हां बात है, जाग क्या मैं ना गुजर आ बॉलिंग करते हुए ये गाय ने उड़ा दिया। अगर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते नजर आ रहे हैं, बहुत दर्दी है।
पढ़वाई। मेहनत नहीं मिलती है, मजदूर को पेट नहीं पालता है, वो मजदूर क्या करेगा? आखिर कोडर हनी हनी वो मजदूर थकेगा। हमको जरूर मजदूरी नहीं मिलेगा तो वो जरूर रड़ेगी भी, जरूर रड़ेगी भी, रोएगी भी। अब गले में ये गर्मी भी बहुत है, इस वक्त मंजंदी टाक से लोड़े सी बच्चे से भी नहीं पैसी। हम किसके लड़े थे, किसके दांत दे थी? वो ऑफिसर के दांत से, वो ऑफिसर ऐसा नहीं मानता, ये चेयरमैन है वो भी नहीं मानता है। हम किसका आट जो है सो भी मांगा है, मछली है सो भी मांगी है, किस लिए कर कर लिए? वो तो पांजे लाई सबको करेंगे, हम गरीब लाए किस के? कोई भी नहीं करेगा। चावल मांगा, पानी नहीं मिलता, सारी हर पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है, ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई है। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे? ये बच्चा मेरा छोटा, इसी गांव धोने के लिए पानी नहीं है, चटियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ। अब ये बच्चा जरा सी से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी? बताओ वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेजो हमारे बच्चों की गांधे साफ करने के लिए। लाइट, लाइट का बताएं, हुकूमत मर गई है, भड़वत खा रही है, दिल इतना भेज रहे हैं क्या, कुछ कहने का नहीं। चार चार घंटे, दो दो घंटे लाइट बंद है, क्या ये अपनी कब्र में जलाएंगे क्या भड़वे रंडी के बच्चे? गालियां तो मैं बकूंगी, क्यों पेट को नहीं खाते, दिल भरते हैं फिकर से कहीं ज्यादा लग के नहीं आ जाए, फिर भी हरानी के बच्चे नहीं सुनने कंजर के दिए, ये अपने बाप के तो कम नहीं है, रोड वालों के हैं। गाली बकेंगे, गाली बकेंगे, उनकी अम्मा बहना को पढ़वाएंगे रोड के ऊपर। हाँ, क्या बोलेंगे उनको? वो भी उनसे मिलेंगे भड़वे, वो भी उनसे मिलेंगे भड़वे, भड़वत खा रहे हैं अपनी अम्मा। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं, ये बहन तो सारे बच्चे हमको पागल बना रहे हैं, माधर के उसके बच्चे इतने गांड फटी के ये भड़वे। तो गाइस ये थी वीडियो आज की, तो गाइस ये थी वीडियो, आई थिंक आपको अच्छी लगेगी। बट उससे पहले आपको मैं ये कुछ कहना चाहूँगा, मैं आप सबसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान रिपोर्टर पे वीडियो लेकर आए हैं, और गाइस सच बताऊँ तो रिपोर्टर का काम बहुत मुश्किल होता है, वो लाइक बहुत तरह के बंदों से मिलते हैं, बहुत तरह के लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कोई गुस्सा इन पर निकाल देता है। तो गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इस वीडियो में थोड़ी गाली यूज़ की गई है, वैसे आप बुरा मत मानना, माइंड मत करना, हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए आए, के लिए वीडियो लेकर लाए, आप एंटरटेनमेंट हो, प्लीज़ वीडियो पर बिल्कुल भी अब्यूजिंग जो हुई है बिल्कुल भी बुरा मत मानना, और जिसको बुरा लगता हम तहे दिल से सॉरी मांगते हैं आपसे। तो आपके लिए बस ये कि जो रिपोर्टर का काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे लोगों से मिलना होता है तो काफ़ी ज़्यादा होती है, बट जो आज की वीडियो थी काफ़ी अच्छी थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा फनी थी, मतलब हर टाइप्स के पीपल से दिखाया गया, और हर टाइप के पीपल कैसे परेशान करते हैं उनको या क्या क्या बोलते हैं, और एक बात बता दो रिपोर्टर की वजह से हमें सब पता चलता है कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं चला रहा है, ये ना हो क्योंकि हमें कुछ नॉलेज कुछ भी पता नहीं चलेगा अभी देश में क्या हो रहा है। तो इसी वीडियो में मतलब कुछ अम्मा और माता जी थी जिन्होंने मतलब कुछ अच्छी लैंग्वेज मतलब मजेदार लैंग्वेज यूज़ करा है, वैसे हर कोई देते हैं गाली वगैरह बट कभी शर्म आ जाते हैं, अम्मा ने जो लैंग्वेज यूज़ करा है, मैं आपको टूट के बोलूँ इंडिया में बहुत वायरल हो रखी है वीडियो, इंडिया में जब कोई भी कुछ गलत करता है तो ये वीडियो लगा दी जाती है ऊपर और गाली दी जाती है। तो ये गाली तो अम्मा की बात का बुरा ना माने, उनके अंदर जो भड़ास थी दिल की उन्होंने वो बताया, क्योंकि वो जिन तकलीफों से गुजरती है वो उन्हीं को पता होगा। तो किसी फनी वीडियो में गाइस प्लीज़ आप जरूर देखिए, आपको आई होप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये वीडियो। अब सबसे अच्छा मुझे क्यों लगा पता है, एक ना जगह वो रिपोर्टर थे तो पीछे से ना गाय आ रही थी, तो कह रही थी गाय आ रही है पीछे मारना ना मारना भी, और सच में गाय आती है कैमरा मैन को मार दी देखो। और एक सबसे अच्छा लगा कि एक डायलॉग बाजी जो करी थी, एक अम्मा ने बहुत अच्छी डायलॉग बाजी करी थी कि अजय देवगन सुनील शेट्टी जी का नाम लिया था, वो डायलॉग बाजी मुझे बहुत अच्छी लगी। और सेकंड क्लिप देखोगे टाइम क्लिप अच्छी वीडियो है कि न्यूज़ रिपोर्टर खड़े होते हैं और जाते बोलते हैं वो मारने लग जाती है, अब मारने लग जाते हैं न्यूज़ रिपोर्टर को भी अच्छी आ जाती है, फिर वो शूट वहीं पर बंद कर देते हैं। तो गाइस
बहुत ही मज़ेदार वीडियो थी, आप जरूर देखिए, आप सबके पागल हो जाओगे। जो अब्यूजिंग व्यूअर्स के लिए सॉरी बोलूँगा, फिर से अगेन सॉरी बोलूँगा। तो गाइस इसी तरह से बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और हम ये भी बोलते हैं कि अगर हमारी फनी वीडियो हमारी भी कभी कुछ बोल देती उस पर जरूर वीडियो लाएंगे आप सबके लिए, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।